गाइस शादी की तैयारियां मैंने 10 दिन पहले स्टार्ट कर दी थी, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट चीज मैं कैसे भूल सकती हूँ। भैया लोग आ गए हैं, सोमिल को कपड़े दिलवा दिए, बारी आती है पेमेंट करने की। और जैसे ही पेमेंट करती हूँ मुझे स्क्रैच कार्ड मिलते, लेकिन स्क्रैच कार्ड में क्या मिलता, कुछ भी नहीं। अब मेरे ऊपर आन पड़ी है सबसे मुश्किल घड़ी, अब बारी है गिफ्ट लेने की भैया के लिए। और गिफ्ट में लड़के लोग के लिए क्या ही लें यार, समझ नहीं आता, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत ऑप्शन होते हैं। और लड़कों के लिए कुछ सजेस्ट करो ना कि क्या खरीदना चाहिए। तो भगवान का शुक्र है कि मेरे साथ एक भैया और थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप सीनरी ले। और होना क्या था, वहां भी कंफ्यूज होगी, लेकिन दोनों में से मैंने एक वाली सिलेक्ट कर ली। मैं चलो दूसरी साइड से भी दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर थी। उसके बाद बारी आती है कि यार कुछ हमें यूजफुल भी लेना चाहिए जो भैया के यूज में आए। और गिफ्ट मैंने वॉलेट लिया, और उसके बाद हम निकल लेते हैं, क्योंकि रात हो गई तो फिर बहुत मुश्किल होगा ड्राइविंग करना। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हिमाचल की शादी में पहली बार अटेंड करने जा रही हूँ। जब मैं चंडीगढ़ में रहती थी तो मैंने धाम के किस्से तो बहुत सुने जो कि वहाँ शादियों में मिलती है। 4 घंटे गाड़ी में सोने के बाद मैं चल पड़ी हूँ अंदर भैया से मिलके। हम जल्दी से रेडी होंगे नाइट के फंक्शन के लिए। और गाइस आज के लिए इतना ही, कल मिलूंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।